नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? आप आशा है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। अब आज बात करूंगा सीईटी जो सरकार इस बार लागू करी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, यानी समान पात्रता परीक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं। राजस्थान सरकार लागू करी है, अन्य सभी राज्यों में हरियाणा पंजाब आप देख लो वहां पे भी ये लागू है। ठीक है, इको एग्जाम डेट भी आ गई है और बहुत जल्द एग्जाम है, यानी ग्रेजुएशन के लिए तो 15 दिन या 20 दिन मुश्किल से बचे हैं और 12th लेवल का भी अब नजदीक आ गया। और जी अभी इसकी एग्जाम डेट आ रही है, वैसे वैसे स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। ठीक है, मैसेज भी आते हैं कि इसको कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि एक तरह से घबराना जायज भी है, क्योंकि इसको क्लियर करना भी जरूरी है और अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करना भी जरूरी है। क्योंकि यदि आप 15 गुना में नहीं आया तो आप एक साल तक कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो घबराना आपका जायज है। सबसे पहले आपके ज्यादातर क्वेश्चन आए कि सर हमें इसको क्लियर करना है और अच्छे नंबरों से क्लियर करना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जितना सिलेबस को पढ़ना जरूरी है उतना भी अपन को परिस्थितियों के अनुसार ये भी ध्यान रखना है कि किस चीज को आपको छोड़ना है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम ही सब इंस्पेक्टर की तैयारी की थी मैंने पिछली बार, तो मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी इसलिए, और मेरे टाइम बहुत कम बचा था एग्जाम में, तो मैंने मैथ को बिल्कुल हटा दिया था किसी के कहने पर, और मैथ बिना मैथ के सारे ही मैंने उस एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया। और अपना आत्मा होता ना सीईटी तो आप धक्को देर बार काट देता। ठीक है, तो आप बात करें सीईटी जो एक ही सिलेबस से 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल ज्यादा फर्क है नहीं। ठीक है, कोई 19-20 होगा तो उतना। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट, जिसमें जीके जनरल साइंस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये इंडिया लेवल की और करंट अफेयर इसमें भी आ गया। इसके 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 नंबर होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 38 के 76 नंबर हो गए और क्वेश्चन 38 है। जीएस जिसको आप बोलते हो जनरल साइंस। ठीक है, तो इसमें साइंस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इंडिया की और करंट अफेयर दोनों आ गए, 38 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी और ये राजस्थान लेवल का है, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का बनेगा क्योंकि 30 के 60 हो गए डबल। इंग्लिश और हिंदी 22 क्वेश्चन आएंगे और 44 नंबर का है ये। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ ये 45 क्वेश्चन आएंगे इसके और 90 नंबर का है। कंप्यूटर 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का है। ये बात हुई सामान्य जिसका सिलेबस है। देखो इस चीज का हम भी मानते हैं कि जो इसका सिलेबस है वो आरएस लेवल को सिलेबस है और सरकार ने पहली बार इसको लागू किया था, इसमें बहुत सारी विसंगति है, जैसे इसकी अवधि कम होना, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कम से कम 3 साल इसकी अवधि हो। अंगों का निर्धारित नहीं होना कि कितने नंबर पे बेसिक से पास किया जाएगा और 15 गुना लेना, मेरे हिसाब से कम 50% वाले को भी पूरे साल एग्जाम में अलाउ करना चाहिए, लेकिन ये 15 गुने को कर रहे हैं। तो ऐसी कई है सरकार, हम चाहते हैं कि धीरे धीरे इसमें सुधार भी करें। एक सिलेबस, एक आप भी मानोगे यार 12th लेवल का विद्यार्थी जो अभी अभी स्कूल से आया है, अभी अभी जो स्कूल में आपने नैतिक शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा रहा है, वो तो डायरेक्ट आते ही बिना तो बटो सिलेबस संभाल देवे तो क्या वो आगे पढ़ने के लिए प्रेरित हो पाएगा? ये सरकार को विचार करना चाहिए। बाकी आपने आत्मा को नहीं, आपने तो सीईटी में निकल गया क्योंकि आपने नौकरी लागा, तो भी हम चाहते हैं कि आपके साथ रहे। कुल पर्सन आएंगे 150। ठीक है, और कुल नंबर होंगे 300, यानी 300 नंबर का ये पेपर होगा और इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। हम आपको बात करेंगे कितना नंबर ले रहा हूँ या किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक है तो मैं आपको अलग अलग किताबें पढ़ने का सजेशन नहीं दूंगा। ये नहीं बोलता कि मैं आप हिस्ट्री की अलग किताब पढ़ो, इंडिया जीके की अलग पढ़ो, राजस्थान कल्चर की अलग किताब पढ़ो। अब आपके पास 15-20 दिन ही है तो एक गाइड है जो आपके पास मैंने लक्ष्य की बताई है, लक्ष्य की गाइड कॉपी है उसका रिवीजन करो, और जब तक एग्जाम है उससे पहले 20 मॉडल पेपर ये कान खोल के सुन लेना। 20 मॉडल पेपर एग्जाम से पहले पहले निकाल लेना, तुम्हारी पार चाहे तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तुम्हारी नहीं है पार लग जाएगी। मॉडल पेपर किसी भी एग्जाम को पार करने में रामबाण साबित होता है। यदि मेरा सिलेक्शन हुआ है ना तो मैं उसका शरीय मॉडल पेपर को देता हूँ। मैंने केटक के, संकल्प के, लक्ष्य के, मूमल के सारे मॉडल पेपर निकाले थे भर्ती से पहले। मॉडल पेपर से हमें पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है, किस प्रकार से अपना प्रैक्टिस होती है। ठीक है, अब हम बात करें कथा नंबर, यानी 76 नंबर की आगे इंडिया जी के आए, 38 क्वेश्चन आए और 76 नंबर का। इसमें यदि आप 55 नंबर भी लेके आओ ना, 76 में से 55 नंबर तो लिया हुआ था तो आप में हिम्मत है। फिर यदि 76 में से अपन 55 भी नहीं लेके आ सकते ना तो अपना एक तरह से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आ तो केवल पात्रता परीक्षा है, इसके बाद और भी एग्जाम बाकी है। मेन एग्जाम तो बाद में बाकी, आ तो केवल सगाई है, ब्याह बाद में है।
इंडिया यानी राजस्थान जी के जो हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर है पॉलिटी है उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से यदि आपको 50 नंबर आपको लेने हैं यानी 60 नंबर में से 50 नंबर, क्योंकि राजस्थान जी के अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि इसमें आप यदि कंपटीशन में जाओगे ना तो बच्चा एक एक नंबर पे फाइट होता है। इसमें तो कोशिश करोगे 60 में से 60 तो कोई नहीं ला सकता, लेकिन 50-55 तक आपका स्कोर हो, ठीक है। 50 इसमें हो गए। इंग्लिश हिंदी मान लिया, सबसे बड़ी समस्या है विद्यार्थियों को इंग्लिश और ये नहीं आती मैथ। अपने कॉन्स्टेबल के या सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वालों के तो ये बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, इंग्लिश और मैथ बिल्कुल भी नहीं आती। तो हमने इंग्लिश को एक तरह से ये देख लो, 22 क्वेश्चन है, उसमें से यदि आप 11 क्वेश्चन भी करोगे ना हिंदी और इंग्लिश के मिला के, एक दो ऊपर मान लो, तो भी 44 में से 25 नंबर तो आप आराम से लिख के जाओ, क्योंकि हिंदी में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, और हिंदी यदि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो आपकी मजबूत भी होनी चाहिए। रीजनिंग और मैथ 90 नंबर का आएगा उसमें से, ठीक है 45 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से यदि आप मैथ को बाहर भी निकाल दो ना तो भी आप रीजनिंग के और मैथ के मिला के 40 नंबर भी लेके आ जाओगे 90 में से, तो भी आपका काम चल जाएगा। और कंप्यूटर में, कंप्यूटर किसी भी प्रकार से हार्ड नहीं आएगा, कंप्यूटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन, इतनी माथा फोड़ी मत करो। पहला सीईटी है, सरकार नॉर्मल पेपर देगी, जितना आप कॉन्स्टेबल के पेपर में देखते हो उतना डीपली कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल आएगा, ठीक है। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट ही पूछे जाएंगे। 20-30 में से 20 नंबर मैं मानता हूँ कि आपके 100% हो जाएंगे। यदि गणना करें ना तो 190 नंबर होते हैं, यानी 300 में से आप 190 से 200 के बीच में स्कोर करोगे ना, माइनस मार्किंग इसमें है नहीं, तो आपका शानदार स्कोर हो जाएगा और आप 15 गुणे में जाओ, ये मेरा मानना है। इसमें मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि मैथ से माथापोड़ी करना छोड़ दो, आप अलग अलग किताबें पढ़ना आप छोड़ देना, और एक ही अपनी जो आपकी गाइड है, लक्ष्य की गाइड है, वो ही बार बार रिविजन करना, और बाकी मॉडल पेपर ज्यादा से ज्यादा देना। कम से कम मैंने टारगेट दिया 20 मॉडल पेपर आप एग्जाम से पहले मिला देना। आप इतना घबराओ मत, घबराने से कुछ नहीं होता, जीवन में हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और जैसे फिल्म में बोलते हैं कि यदि मान लो तो दिल्ली दूर नहीं है, वैसे यदि मान लो ना तो सीईटी दूर नहीं है। तैयारी करते रहिए, वैसे मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।